Hello students, in the last video we have started with the second order system, and in second order system we have studied various types of system like underdamped system, critical damped system, overdamped system and undamped system. Okay, now in this video we will study the different types of responses for the standard second order system like impulse response and step response. Okay, so first is impulse response for the second order system. Okay, impulse response means kya hoga aapka, jo aapka input hoga wo aapka kya hoga, impulse hoga, delta t hoga, that means jo aapka rs hoga wo kya hoga aapka 1 hoga. Ye same cheeze hum log first order system mein already pad chuke hain. Okay, now hame pata hai standard second order transfer function kya hota hai, omega n square upon s square plus 2 zeta omega n s plus omega n ka square. Okay, now this is equal to cs upon rs, Laplace transform of output divided by Laplace transform of input. Okay, so yahan se aapka jo cs ki value hai wo kitni ho jayegi, omega n square upon s square plus 2 zeta omega n s plus omega n ka square, क्योंकि जो आपका आरएस है वो क्या हो जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा. ओके, नाउ हमारा टारगेट क्या है यहां पर, हमारा टारगेट फिर से वही है जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में था कि हमें अब इस सीएस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है जिससे हम सीटी कैलकुलेट कर सके. ओके, सो यहां पर अगर आप ध्यान से समझो इसे, जो ये डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे या हम इसका इनवर्स लाप्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, तो यहां पर अगर हम कोशिश करें तो हम देख सकते हैं यहां पर स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो क्या हम इसे होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए. ओके, सो अगर मैं इसे होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो कैसे कर सकते हैं, आप देखिए एस का स्क्वायर है. ओके, तो यहां पर अगर हम इसे होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपके लिए 2ab का. तो यहां पर आप देखिए जो 2ab का टर्म है वो ये रहा आपका, तो यहां पर s का स्क्वायर तो प्रेजेंट है, तो अगर आप देखिए यहां पर s 2ab में प्रेजेंट है. ओके, तो यहां पर इसका मतलब ये क्या होगा, अगर मैं s को a मान रहा हूं तो ये जीटा ओमेगा n क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा. तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस b के होल स्क्वायर में, तो ये क्या कर सकता हूं मैं यहां पे लिख सकता हूं s प्लस जीटा ओमेगा n का होल स्क्वायर. ओके, तो इससे क्या क्या टर्म जनरेट हो गए आपके, एक टर्म जनरेट हो गया a स्क्वायर मतलब s स्क्वायर. ओके, एक और क्या होता है 2ab मतलब 2 इंटू एस इंटू जीटा ओमेगा n, यस ये टर्म भी जनरेट हो गया. बट यहां पर एक और टर्म जनरेट हो जाएगा जो कि क्या है आपका बी स्क्वायर है, जबकि यहां पर जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है आपका, जो कि आपका बी स्क्वायर जनरेट होने वाला है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपके ये जो दो टर्म है स्टार्टिंग के वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर आपका एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा था. बट यहां पर एक और टर्म बचा भी हुआ है अभी, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर. ओके, सो इस तरह की अप्रोच हम क्या कर सकते हैं, ये हमें आगे सॉल्व करने पर ही समझ में आएगा, ठीक है ना. आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं अप्रोच इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ट्राई करके देखना होगा. तो एक ट्राई हम करके देख रहे हैं यहां पर, क्या पता इससे सॉल्व हो जाए. ओके, नाउ अब अगर मैं इसे और सॉल्व करूं, फर्दर सॉल्व करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एन का स्क्वायर एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस, आप देखिए यहां पर ये जो आपका टर्म है जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, अगर आप इस टर्म से ओमेगा एन का स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये आपका रह जाएगा 1 माइनस जीटा का स्क्वायर. अब आपको याद करना होगा, क्या आपने ये टर्म कभी पहले कहीं देखा है, ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा का स्क्वायर. अगर आप याद करें या आपने अगर प्रीवियस वीडियो पढ़ी हुई है मेरी, तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर कि आपने एक टर्म पढ़ा था ओमेगा डी, ओमेगा डी क्या था आपका, ओमेगा डी था आपका ओमेगा एन
अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो ये जो पूरा टर्म है ये कुछ भी नहीं बल्कि ये आपका ओमेगा डी का स्क्वायर ही है। ओके, सो इट इज ओमेगा डी का स्क्वायर। नाउ अब अगर आप इस कंप्लीट फंक्शन को देखें यहां पर, तो यहां पर आपको पता है ओमेगा एन का स्क्वायर जो है वो कॉन्स्टेंट है। ओके, इसके लिए आपको वरी नहीं करना। तो अगर आप देखें 1 अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, क्या हमने ऐसा कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा है कभी जहां एस का स्क्वायर आ रहा हो नीचे और प्लस में किसी कॉन्स्टेंट का स्क्वायर आ रहा हो? तो अगर हमें ऐसा कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स लाप्लास पता है तो हमारा काम यहां पर हो जाएगा। ओके, यस, ऐसा एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है साइन का। ओके, तो मैं आपको अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर आपको पहले कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्लियर कर देता हूं। ऑल्दो आपको पता होने चाहिए लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, ठीक है। अगर आप देखें यहां से साइन at का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है आपका a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो क्या ये इसी फॉर्मेट में है? तो आप अगर डिनोमिनेटर को कंपेयर करिए तो s का स्क्वायर नहीं है यहां पर, s प्लस समथिंग का होल स्क्वायर है। तो s की जगह s प्लस समथिंग कैसे आएगा? हमें पता है कि जब भी हम e की पावर माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें फंक्शन को तो आपका s की जगह s प्लस समथिंग हो जाता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहां पर, ये हो जाएगा a एज इट इज और s की जगह आपको क्या पुट करना है s प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ओके, मींस आपने यहां पर e की पावर माइनस bt से मल्टीप्लाई किया था अपने फंक्शन को, टाइम वाले फंक्शन को। तो आपको क्या करना है s वाले फंक्शन में जहां जहां s दिख रहा है वहां वहां s प्लस b कर देना है। ओके, तो क्या अब मेरा फंक्शन सेम हो रहा है? तो आप देख सकते हैं यस, अब आपका फंक्शन सेम हो रहा है एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। लेकिन एक और प्रॉब्लम है यहां पर अभी, वो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर पार्ट जो है वो ए ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर है ना, तो न्यूमरेटर में उसी ए स्क्वायर का ए होना चाहिए। जबकि यहां पर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में ओमेगा डी का स्क्वायर है जबकि न्यूमरेटर में ओमेगा एन का स्क्वायर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले न्यूमरेटर में ओमेगा डी का टर्म लेके आना पड़ेगा। ओके, सो अगेन अगर मैं 1 इक्वेशन को वापस कंसीडर करूं तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपका सी एस है वो अब ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी इंटू ओमेगा डी डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। तो आपने बेसिकली किया क्या, आपने ओमेगा डी से डिवाइड किया एंड ओमेगा डी से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये टर्म को आपने सेपरेट कर लिया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी और जो रिमेनिंग टर्म था वो एग्जैक्टली आपका उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा है इनवर्स लाप्लास का। तो अब आप सीएस को क्या लिख सकते हैं यहां पर? अब आप सीएस को लिख सकते हैं ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी। ओके, ये टर्म आपका बिल्कुल सेपरेट हो गया और जो बाकी का टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा डी अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। तो आपका सीटी क्या हो जाएगा यहां पर? सीटी हो जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस बी टी मीन्स ई की पावर जीटा ओमेगा एन इंटू टी साइन ए टी मीन्स साइन ओमेगा डी टी यू टी। ओके, सो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा सीटी का, इंपल्स रिस्पॉन्स का इक्वेशन आ जाएगा आपका। ओके, अगर हम चाहें तो इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। तो ओमेगा एन ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा एक एक, तो क्या बच जाएगा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी यू टी। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट इंपल्स रिस्पॉन्स फॉर द स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, नाउ हमने जैसा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में किया था, हम सबसे पहले इस इंपल्स रिस्पॉन्स का डायग्राम बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप देखिए यहां पर अगर आप डायग्राम ड्रॉ करें इस इंपल्स रिस्पॉन्स का तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आपका इंपल्स रिस्पॉन्स है ये कॉम्बिनेशन है आपका एक्सपोनेंशियल एंड साइन टर्म का। कॉन्स्टेंट को आप अवॉइड कर दीजिए,
एक्सपोनेंशियल एंड साइन टर्म का जो कॉम्बिनेशन है, एक्सपोनेंशियल कौन सा एक्सपोनेंशियल है आपका? डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है. ओके, सो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल मींस क्या होता है आपका? डिक्रीज करेगा आपका. इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है वो आपकी डिक्रीजिंग होगी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. ये जो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है उसकी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड जो है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का वो लगातार आपका डिक्रीज होता चला जाएगा. ओके, तो इस तरह से आपकी वेव फॉर्म क्रिएट होगी. यहां पर आप देखिए ये इस तरह से, ओके, एक्सपोनेंशियली ये क्या होते जाएगी आपकी डिक्रीज होते चले जाएगी. ओके, ऊपर साइड भी और आपकी नीचे साइड भी एक्सपोनेंशियली आपकी डिक्रीज होते चले जाएगी. ओके, सो ये होता है आपका इंपल्स रिस्पॉन्स का डायग्राम फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. अब हमने लास्ट वीडियो में जब हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने एक और पॉइंट पढ़ा था जब हमने इंपल्स रिस्पॉन्स की स्टडी की थी, वो ये कि जब इंपल्स रिस्पॉन्स आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि सिस्टम आपका स्टेबल है कि नहीं है. आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपका जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है कि नहीं. एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का क्या मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या आपका इंपल्स रिस्पॉन्स टी टेंस टू प्लस इंफिनिटी एंड टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर आपका इंपल्स रिस्पॉन्स जीरो है कि नहीं है. अगर जीरो है तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, मतलब सिस्टम आपका स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा स्टेबल. ओके, तो हम चेक कर लेते हैं. यहां पर आप वायर डायग्राम देख सकते हैं. आप देखिए नेगेटिव साइड में तो पूरा वैल्यू क्या है, जीरो है, तो माइनस इनफिनाइट पे तो आपका जीरो ही होगा. अगर आप पॉजिटिव साइड में देखिए तो अगेन ये डिक्रीजिंग हो रहा है, तो फिर से क्या होगा, ये प्लस इन्फिनिटी पे भी जीरो ही होगा. आप चाहें तो आप वाया इक्वेशन भी देख सकते हैं. आप देखिए यूटी से मल्टीप्लाइड है तो नेगेटिव साइड तो जीरो ही होगा, और ई की पावर माइनस का टर्म है. ई की पावर जब आप टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी. तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है हमारा, जीरो होता है. ओके, सो अगेन आपका पॉजिटिव साइड भी क्या होगा, जीरो होगा. तो आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो क्या होगा, आपका स्टेबल होगा. ओके, सो इस तरह से इंपल्स रिस्पॉन्स का आप यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट रिस्पॉन्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेप रिस्पॉन्स. ओके, स्टेप रिस्पॉन्स की मीनिंग क्या होगी आपकी, कि आपका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, आपका स्टेप होगा. दैट मींस जो आर एस होगा वो क्या होगा, आपका 1 बाय एस होगा. ओके, सो बेसिकली अब आपको आर एस इज इक्वल टू 1 बाय एस पुट करना है अपने ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मूले में. ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है आपका स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर. ओके, सो ये जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, सी एस अपॉन आर एस. ओके, तो अगर मैं आर एस की वैल्यू यहां पर 1 बाई एस पुट कर दूं तो यहां पर जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट आपका हो जाएगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर. ओके, सो यहां पर हमारा डिनोमिनेटर पार्ट क्रिएट हो गया. अब हमारे पास फिर से वही चैलेंज है, हमारे पास चैलेंज है कि हमें इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है. पहले हम ये चेक कर ले क्या यहां पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी. तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक टर्म एस है और एक टर्म आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा. ओके, सो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करने की तरफ सोचते हैं. ओके, तो यहां पर अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए जाएं तो हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, सी एस इज इक्वल टू, आप देखिए एक टर्म क्या है s, तो आप लिखेंगे a बाई एस. ओके, और अगला टर्म जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्या लिख सकते हैं, बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर. ओके, तो यहां पर आप जब a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बोथ साइड कंपेयर करके तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा. ओके, नाउ फिर से पार्शियल फ्रैक्शन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको कैलकुलेट करनी है एबीसी की वैल्यू और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है. ओके, मैं अभी आपके लिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन का, क्योंकि हमारे लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट है, फाइनल आंसर का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है. ओके, सो 1 बाई एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर. ओके, नाउ
अब अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आप देखिए, एक टर्म तो आपका 1/s है जो कि ut हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। पर जो आपका सेकेंड टर्म है उसका अगर आप डिनोमिनेटर पार्ट देखिए तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने अभी अभी इंपल्स रिस्पॉन्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील किया हुआ है तो आपको पता है आपको इसे किस फॉर्म में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, 1/s माइनस एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ओके, अभी अभी हमने ये काम किया है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर। ओके, नाउ अब आप देखिए आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें जब हमने इंपल्स रिस्पॉन्स सॉल्व किया था तब आपका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, लेकिन यहां पर आपका एस की वैल्यू है। तो क्या हमें ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? यस, हमें फॉर्मूला पता है। जब कॉन्स्टेंट होता है तो फॉर्मूला होता है साइन का, जब एस का टर्म होता है तो फॉर्मूला होता है आपका कॉस का। तो मैं यहां पर कॉस का फॉर्मूला भी आपके लिए लिख देता हूं। तो जो कॉस ए टी यू टी, और अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं यहां पर ई की पावर माइनस बी टी से, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपका वो हो जाता है आपका एस प्लस बी, एस की जगह एस प्लस बी, देन अगेन एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ओके, कॉस का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहां पर चूंकि ई की पावर माइनस बी टी से मल्टीप्लाइड है इसलिए वो हो जाएगा एस प्लस बी न्यूमरेटर में भी और एस प्लस बी डिनोमिनेटर में भी। ओके, अगर मैं अपने फंक्शन को इक्वेशन नंबर वन दे दूं यहां पर, तो फिर से मैं देखूं अगर फ्रॉम वन, तो आप देख सकते हैं जो आपका सी एस जो है आपका वो है 1/s माइनस, अगर आप इस कॉस के फॉर्मूले से कंपेयर करें तो कॉस के फॉर्मूले में ऊपर टर्म होना चाहिए एस प्लस बी, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आपका है एस प्लस टू बी, क्योंकि नीचे आपका एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर है ना, मतलब नीचे क्या है एस प्लस बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले टर्म को तो आप चेंज करना चाहोगे नहीं, तो आप न्यूमरेटर को ही चेंज करना चाहोगे, तो आप यहां पर क्या लिखोगे एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन, तो इससे क्या क्रिएट हो जाएगा एस प्लस बी का टर्म क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे एस प्लस जीटा ओमेगा एन, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ओके, माइनस क्या हो जाएगा जीटा ओमेगा एन, अगेन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ओके, सो यहां पर भी आपका था माइनस जीटा ओमेगा एन और यहां पर भी क्या था माइनस जीटा ओमेगा एन, तो फिर से किस पे चेंज हो जाएगा वो टू जीटा ओमेगा एन में। ओके, नाउ अगर आप सेकेंड टर्म को देखिए यहां पर, तो सेकेंड टर्म एग्जैक्टली वही है जो आपने यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, लेकिन अगर आप थर्ड टर्म को देखिए तो थर्ड टर्म आपका वही है जो आपने अभी अभी से दो तीन स्लाइड पहले जो आपने साइन का फॉर्मूला लिखा था। ओके, बट साइन के फॉर्मूले में फिर से एक पॉइंट था कि जो आपका नीचे ए स्क्वायर है जो कि यहां पर ओमेगा डी का स्क्वायर है, ओमेगा डी आपका ऊपर भी प्रेजेंट होना चाहिए था, नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ओमेगा डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ ही साथ ओमेगा डी से क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो जो आपका फुल एंड फाइनल यहां पर हम लिख सकते हैं सी एस की वैल्यू वो क्या हो जाएगी 1/s माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर माइनस, अब आप क्या कर सकते हैं जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी, ओमेगा डी की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, इसको आउटसाइड कर दीजिए और आपका क्या बच जाएगा अंदर ओमेगा डी एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ओके, सो ये आपके सारे टर्म्स यहां पर बचेंगे। ओके, नाउ अब अगर मैं यहां पर देखूं तो आपका ओमेगा एन और ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं सारे के सारे टर्म्स का इनवर्स लाप्लास ले लूं यहां से, तो आपका जो सी टी है वो क्या हो जाएगा 1/s का इनवर्स क्या होता है यू टी, ये तो बहुत ईजी था हमारे लिए। अगला टर्म आप देखिए क्या है आपका एस प्लस बी, देख लीजिए s प्लस बी, देन s प्लस बी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसका मतलब a क्या है आपका ओमेगा d है, b क्या है आपका जीटा ओमेगा n है, सिंपली आपको a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी यू टी। ओके, नाउ
थर्ड टर्म को अगर हम देखें तो ये जो कांस्टेंट है वो तो आप आउटसाइड लिख देंगे, और जो साइन का फॉर्मूला अभी अभी हमने दो से तीन स्लाइड पहले देखा है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस, ओके आउटसाइड क्या है आपका, जीटा अपॉन वन माइनस जीटा का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ये हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी यू टी, ओके ये आपका आ जाएगा कॉस एंड साइन के फॉर्म में आपका सीटी का इक्वेशन। नाउ अब अगर मैं सीटी को फिर से अरेंज करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूटी आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर क्या बच जाएगा, वन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी यूटी, यूटी आप कॉमन ले चुके हैं, तो आप चाहें तो यूटी को यहां से हटा दीजिए, तो हम यूटी को यहां से हटा देते हैं, ओके तो आगे जो आपके टर्म्स हैं वो अब क्या रह जाएंगे आपके, माइनस जीटा अपॉन वन माइनस जीटा का स्क्वायर ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, ओके यूटी कॉमन है आपका, तो ये आपका इक्वेशन बन के रेडी हो गया। क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, यस, तो हम क्या करते हैं अब यहां से, ये जो आपका ब्रैकेट है हम लास्ट में यहां पर यूटी लिख देते हैं, और जो आपका ब्रैकेट है अंदर वाला उसे हम देखें यहां पर वन माइनस, अगर हम एक और ब्रैकेट ले लें यहां पर तो आप देख सकते हैं यहां से आपका e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी भी कॉमन आ जाएगा, ओके और आप माइनस साइन को भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस ओमेगा डी टी, ओके प्लस जीटा अपॉन वन माइनस जीटा का स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी, ओके रैकेट क्लोज कर दीजिए और बाहर क्या लिख दीजिए, ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, ओके सो हमने क्या किया, बेसिकली पहले हमने ओवरऑल से यूटी कॉमन लिया, फिर हमने कॉस और साइन वाले टर्म से ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉमन लिया, और एक अपना माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो अंदर दोनों साइन आपके क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ओके अब आप इस इक्वेशन को अगर मैं फिर से लिखूं तो आप देखिए जो बड़ा ब्रैकेट है उसके साथ कॉमन क्या था आपका, यूटी, तो आप लिख दीजिए, जो अंदर वाले ब्रैकेट है उनको आप ध्यान से देखिएगा, पहले तो आप वन लिख दीजिए, ओके उसके बाद आपको पता है ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी आपका कॉमन है, ओके नाउ क्या हम और कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस अगर मैं यहां से अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर जो वन अपॉन में है अगर कॉमन ले लू, ओके तो क्या हो जाएगा आपका, आप देखिए वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर, अब अगर मैं ब्रैकेट यहां पर लिखूं तो ब्रैकेट किस तरह से हो जाएगा, आप देखिए कॉस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर को, क्योंकि आपने कॉमन लिया है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, ओके तो क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी, ओके प्लस जीटा साइन ओमेगा डी टी, ओके जीटा यहां आपका रिमेनिंग था ना, आपने जब वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया, जीटा इंटू साइन ओमेगा डी टी, ओके और कॉस में जो था वो आपका वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर का कोई टर्म प्रेजेंट नहीं था, ठीक है ना, तो आपने क्या कर लिया यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके अगर आप फिर से इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप देखिए वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, नाउ आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर एंड जीटा, जीटा क्या होता है आपका, जीटा आपने डिराइव किया था ग्राफ के थ्रू, जीटा होता है आपका कॉस फाई, तो अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर That means under root 1 minus cos square phi क्या हो जाएगा, under root sin square phi, that means ये term क्या हो जाएगा आपका sin phi हो जाएगा, okay तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin phi cos omega dt plus cos phi sin omega dt, okay तो आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर आपका क्या आ जाएगा ut, okay so अगर आप ध्यान से देखिए अपने ct के equation को, So, क्या हो जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर, ओके ये क्या हो गया आपका, आप देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का टर्म आ गया, हमें पता है ये क्या होता है साइन ए प्लस बी होता है, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई हो जाएगा आपका, ओके फिर से आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, बाहर क्या आ जाएगा आपका यूटी आ जाएगा, ओके
तो ये आपका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन होता है आपका सीटी का. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर स्टेप रिस्पॉन्स इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. फाई क्या है आपका? फाई है आपका कॉस इनवर्स जीटा, जो आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की. ओके, नाउ अगर अब मैं इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करूं, हमने जब हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने स्टेप रिस्पॉन्स के लिए स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट किया था. अगर मैं यहां पर भी स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो हमें पता है पहले हमें एरर कैलकुलेट करनी होगी. तो जो एरर होती है आपकी वो क्या होती है? इनपुट माइनस जो आपने अचीव किया है. इनपुट क्या था आपका? टारगेट. और सीटी क्या है? जो आपने अचीव किया है. तो इनपुट क्या था आपका? स्टेप इनपुट था यूटी माइनस. अगर आप सीटी को लिखें यहां पर तो सीटी का इक्वेशन आप यहां से पूरा लिख सकते हैं. ओके, कितना हो जाएगा? 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर. ओके, अंदर क्या है आपका? साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव. तो साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव. ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड एट लास्ट इट इज यू टी. ओके, सो अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो जो आपका ut और ut है कैंसिल हो जाएगा. 1 इंटू ut भी क्या होगा आपका? ut हो जाएगा. तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो आपका एरर क्या बचेगी? e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी 1 माइनस जीटा का स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई. आप चाहें तो लिख सकते हैं इंटू ut. ओके, वैसे भी आप जानते हैं टाइम की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ut की वैल्यू क्या होनी है आपकी? 1 ही होनी है. ओके, नाउ अगर आप ध्यान से देखिए स्टडी स्टेट एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस एरर के इक्वेशन में आपको t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा. अगर आप बहुत इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सिर्फ e के टर्म को देखिए. जब भी आपको e की पावर माइनस का टर्म दिखाई दे दैट मींस e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपका जीरो होगा. आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. ओके, ये देखिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी इट विल बी जीरो. तो अगर आप यहां पर फिर से देखें जो आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में देखा था, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी फॉर द स्टेप इनपुट जो स्टडी स्टेट एरर थी वो क्या थी? जीरो थी. यहां पर भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में फॉर द स्टेप इनपुट स्टडी स्टेट एरर क्या है आपकी? जीरो है. तो जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में सारे के सारे पैरामीटर कैलकुलेट किए थे फॉर द स्टेप इनपुट, सेम हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए सारे के सारे पैरामीटर लाइक राइज टाइम लाइक पीक टाइम सारे पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द स्टेप इनपुट ओनली. ओके, सो ये हम काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो में हमने इंपल्स रिस्पांस एंड स्टेप रिस्पांस बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन किए हैं. इन डेरिवेशन में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा. ओके, गुड बाय.